गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज फेस को इग्नोर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है और मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसी वजह से मम्मी भी आ गई थी यहाँ पे। मतलब जिस दिन मैं यहाँ पे आई उसके दूसरे दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से दूसरे दिन मम्मी को बुलाना पड़ा यहाँ पे। और फिर मम्मी आ गई थी, उसके बाद तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई कुछ भी, और फेस देखो कैसा हो गया है। और ये जो चोटी है वो माही ने बना के दी है, वो मना कर रही थी निकालने के लिए, इसी वजह से मैंने नहीं निकाली, तो ऐसे ही बांध लिया है मैंने पीछे। और ये कुछ इस तरह से चोटी बनाई थी उसने, ये ना खुली रखने के बाद अच्छी लग रही थी, बट मैंने चोटी बांध ली, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे इसी वजह से। और तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो फेस बिल्कुल क्लीन है, विदाउट मेकअप हूँ, कुछ भी नहीं किया है। घर पे तो ऐसे ही रहती हूँ मैं, बस कैमरा उठा देती हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक काजल लगा लेती हूँ, और बाहर जाना होता है तो लगा लेती हूँ, नहीं तो घर पे तो कुछ करने का मन नहीं करता है। और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ भी करने का मन नहीं किया, तो वैसे ही थी। अभी मम्मी आई थी इतने दिनों से, तो मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, वहाँ पर भी नई भाभी थी, तो नई भाभी के साथ भाई के साथ टाइम स्पेंड किया, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं यहाँ पर चले आई थी, यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस पेंडिंग थे, इसी वजह से आना पड़ा था यहाँ पे। तो यहाँ पर आई तो और तबीयत ख़राब हो गई, और 2-3 बार तो मैं हॉस्पिटल ही जाके आई। उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक होने लगी, तो फिर मम्मी के साथ वगैरह टाइम स्पेंड करने लगी अच्छे से, तो उसके बाद फिर ब्लॉगिंग करने का मन नहीं किया। आज फाइनली कैमरा उठाया इसीलिए कि आज भाई और भाभी 31st के लिए आने वाले हैं, 31st मनाने यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया है उन्हें दोनों को, क्योंकि शादी के बाद तो हम लोग चिखलदारा लेके गए थे, उस टाइम वो बाहर निकले थे, अभी उनको बोला कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा बाहर निकलोगे, तो इसी वजह से उन दोनों को भी बुला लिया है यहाँ पे, तो वो अभी आने वाले हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। कितने दिनों से मम्मी यहाँ पे ही है, तो वो अकेली ही वहाँ पे, मतलब भाई और भाभी थी और पापा थे, तो पापा का तो इतना टेंशन नहीं रहता है, पापा तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही रहता है, तो दोनों ही थे घर पे, इसी वजह से उनको भी बोर हो रहा होगा इतने दिनों से, इसीलिए उनको भी बुला लिया यहाँ पे। अभी उनका जो भी करना है, मतलब जैसे कि केड़वन होगा, केड़वन हमारे साइड में बोलते हैं, जैसे कि मेरी भाई की शादी फिक्स होगी तो उसको मैं खाना खिलाने के लिए बुलाऊंगी यहाँ पे, तो वो हो नहीं पाया इसके चक्कर में, मतलब ये रिनोवेशन के उसके चक्कर में, तो इसी वजह से उसको बुला नहीं पाई, तो मैंने सोचा चलो शादी के बाद दोनों को बुला लेंगे, तो अभी वही हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, वो आने वाले हैं, तो मतलब उनका केड़वन वगैरह होगा, किसी किसी साइड में केड़वन बोलते हैं, किसी किसी साइड में टाट रांगोड़ी बोलते हैं, तो जो जिसके साइड में बोला जाए वो, तो वो होता है, तो अभी वो आने के बाद वही होगा, 2-3 दिन रुकेंगे वो, तो पहले 31st मनाएंगे हम लोग, उसके बाद फिर वो होगा, तो चलिए अभी कामों में लग जाती हूँ क्योंकि वो आने ही वाले होंगे, और मुझे बनाना है खाना, तो खाना बनाने में लग जाती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। आज हर कोई ऐसा है कि आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अपने परिवार के खर्चों में अपना योगदान देना चाहता है, बट ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से वो कर नहीं पाता है। अगर आप कोई आरामदायक और लंबे समय के लिए जॉब चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब है। आज मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जो इंडिया का नंबर 1 रिसेलिंग ऐप है, जहाँ से आप अपना आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और वो भी 0 इन्वेस्टमेंट पे। आपको एक भी पैसा खर्च करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल प्ले स्टोर से आपको Shop 101 को डाउनलोड करना है और वहां पर रजिस्टर करना है और वहां पर अपना स्टोर बनाना है। आपके स्टोर को आपको एक अच्छा सा नाम देना है, उसके बाद आपके सामने ऐप ओपन हो जाएगा। उसमें आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाएगी, उसमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आता है तो वो प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है और वो आपको शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप फ्रेंड को, और उन्हें उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कन्विंस करना है। और जब आप वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपका मार्जिन उसमें ऐड करना है, जो आपका मार्जिन होगा वही आपकी कमाई होगी। तो अभी डाउनलोड करें Shop 101, इसके लिए आपको सिर्फ कुछ ही घंटे देने हैं आपके दिन के, और यहाँ से आप महीने के 25,000 या उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। इनका 9 मिलियन रिसेलर्स नेटवर्क है और इनके 3,000 क्वालिटी सप्लाई वेंडर्स है। Shop 101 सिर्फ आपको पैसे कमाने का ही मौका नहीं देता है, तो आपको बिजनेस ओनर बनने का मौका देता है और अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने का मौका देता है। अपने ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करके अपने लाइफ का एक न्यू चैप्टर ओपन करिए। अभी डाउनलोड करिए Shop 101 ऐप और वहां पर रजिस्टर करिए। मेरी तरफ से आपको नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडा करी, और अंडा करी के लिए सबसे पहले मसाला भून लूँगी। यहाँ पर जैसे मैं बनाती हूँ मेरे घर पे अंडा करी, तो मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मसाला भूनने के लिए सबसे पहले ना मैंने प्याज और ये सूखा नारियल काट के रखा है, तो साइड में बड़े बड़े पीसेस में काट के रखा है, उसे मैं भून लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर एग्स बॉयल हो चुके हैं, एग्स बॉयल करने के लिए रख दिए थे मैंने, तो एग्स बॉयल हो चुके हैं वही मैं निकाल रही हूँ। उसके बाद इतने ही एग्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि
5-6 लोगों के लिए खाना बनाना था, तो इसी वजह से 7-1 से काम नहीं चलता, तो इसलिए मैं दोबारा से लगा रही हूँ वो। और हाँ, किसी ने पूछा था कि एक बॉयलर कैसे वॉश करते हो, तो सिंपल सा है, मतलब बस जहाँ पर वो उसका पॉइंट है, मतलब जहाँ पर बटन है वहाँ पर पानी नहीं लगने देना है, और आप कैसे भी वॉश कर सकते हो उसे, जैसे आप साबुन से वॉश करते हो अपने बर्तन को, तो लेकिन नीचे पानी नहीं लगने देना है, तो बस वही वैसे ही वॉश करना है। मैं एक दिन आपको वॉश करके दिखा भी दूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नारियल, जो सूखा नारियल काट के रखा था वो भून लिया है, उसके बाद मैं जो प्याज काट के रखा है वो भून लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। और हाँ, ये जो वीडियो है वो काफ़ी दिन पहले का है, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से वीडियो एडिट भी नहीं कर पाई और वीडियो बना भी नहीं पाई थी। तो जो वीडियो है ये काफ़ी दिन पहले का है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि अभी बर्ड फ्लू है और आप लोग एग्स खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है डियर, मतलब ये पहले का है, इसी वजह से उस टाइम नहीं पता था, अभी ये बर्ड फ्लू वगैरह ये वो निकला है, तो इसी वजह से हम लोगों ने अभी खाना बंद कर दिया है। बट सच बोलूँ तो हमारा नॉनवेज के बगैर नहीं होता है, होता है ना किसी किसी का कि नॉनवेज उनको चाहिए ही होता है, बट क्या होता है कि जो जिनका खाना है वो खाते हैं, और बहुत से लोग वेजिटेरियन हैं उनको नहीं है पसंद आ रही होगी ये रेसिपी, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनको पसंद आ रही होगी। बट मैं वेज रेसिपीज़ भी काफ़ी सारी शेयर करती रहती हूँ, और देखो आप लोगों से बात करने के चक्कर में मैंने क्या क्या डाला है वो बताना ही भूल गई। तो आपने देख ही लिया है मैंने कढ़ाई में क्या क्या डाला है। सबसे पहले मैंने खड़े मसाले डाले हैं, जैसे कि तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और क्या बोलते हैं दालचीनी वगैरह, ये सब चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें डाल दी है। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ ताकि वो अच्छे से भून जाए, और उसके बाद वो अच्छे से भून जाने के बाद, मतलब उसकी कच्ची स्मेल चली जाने के बाद, मैं उसमें अपना जो मसाला बनाया हुआ है मैंने प्याज और सूखे नारियल का, तो वो मसाला मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि उसका कच्चापन चला जाए और उसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो मैंने अच्छे से मसाला भून लिया है, उसके बाद मैं जितना मुझे तीखा चाहिए उतना मैं तीखा उसमें मतलब मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, और उसमें हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, और ये तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, ये तो अपनी चॉइस है, मतलब आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना तीखा कर सकते हो और जितना फीका पसंद है आप उतना फीका कर सकते हो। तो इसके बाद मैं सबसे पहले मसाला भून लेती हूँ, मतलब उसमें सारे मसाले भी भून लेती हूँ, और उसके बाद सारा कुछ हो जाने के बाद मैं उसमें टोमेटो की प्यूरी ऐड करती हूँ। बहुत से लोग पहले ही ऐड करते होंगे, बट मैं एक करी में ऐसे ही करती हूँ। इसके बाद मैं टोमेटो प्यूरी ऐड कर दूंगी और उसके बाद अच्छे से चला लूंगी, और इसका भी ऑयल छूटने तक आपको चलाना है, इस मसाले को भी अच्छे से ऑयल छूटने तक चला लो। उसके बाद आपको उसमें गर्म पानी ऐड करना है, और ध्यान रखना है कि गर्म पानी ही ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड करने से टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाती है, तो गर्म पानी ऐड करना उसमें, साइड में रख दो गर्म पानी ऐड करने के लिए, नहीं तो फिर केटल है तो केटल में रख दो, मैंने केटल में रख दिया था। और यहाँ पर मुझे सडनली याद आया कि मैंने कपड़े भी वॉश नहीं किए हैं, तो मैंने डाल दिए हैं कपड़े वॉश करने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पर कपड़े भी वॉश हो रहे हैं और उधर मेरा खाना भी बन रहा है। और हाँ, ये जो कपड़े थे मैंने लेट नहाया था और बच्चों ने भी लेट नहाया था, उसके बाद के जो ये कपड़े हैं वो है, क्योंकि मेरा जो सिर है ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था और इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, तो और तबीयत ख़राब होने का रीज़न वही था मेरा सिर दर्द होना, और पता नहीं क्यों एकदम से सिर दर्द होने लगा और क्या क्या होने लगा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, एकदम से पेन होने लगा बहुत ज़्यादा बॉडी में और सिर दर्द भी होने लगा। और यहाँ पर ना मैंने पानी डाल दिया है, वो भी बताना भूल गया आपको, इसे अच्छे से आपको बॉयल होने देना है और उसमें एग्स फ्राई करके डाल देना है। तो बस हो गई हमारी एग करी रेडी, उसके बाद भाई आ जाएंगे, भाई और भाभी, तो उनसे मिल लीजिए आप। ते हेअरस्टाईल यावेळेची मलाही नाही आवडली, या एक नंबर लाइटिंग।
बस यहाँ पर बैठे हैं सुकून से। इतने दिनों के बाद हम लोग मिले थे, मतलब 8 दिन हो रहे थे। एक्चुअली 8 दिनों में मैंने कुछ भी वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाए, इसी वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। और जो पुराने वीडियोज़ थे वही मैंने अपलोड किए हैं, और इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंटिन्यू वीडियो बना रही हूँ, बट नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, सिर दर्द ये वो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो मम्मी को बुला लिया था मैंने यहाँ पे। मम्मी आई थी, मतलब जिस दिन मैं आई दूसरे दिन से ही तबीयत ख़राब हो गई थी, और दूसरे दिन मम्मी को बुला लिया फिर, और मम्मी आई फिर मम्मी ही करने लगी सब कुछ। और वहाँ पर भाई और भाभी अकेले थे, तो इसीलिए इनको भी अभी 31st के लिए बुला लिया। ये दोनों मेरे मासी के बेटे हैं, तो इनको भी बुला लिया साथ में। और हम लोग शादी के बाद अभी मिल रहे हैं, तो इसी वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग बैठे थे सब लोग, और बस गपशप हो रही थी यहाँ पे, सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे थे। एक्चुअली ना, हम लोग बैठे थे, एक टूर प्लान कर रहे थे हम लोग, मतलब इससे पहले भी हमारी प्लानिंग हो चुकी है, बट हम लोग ऐसे ही वो डिस्कस कर रहे थे, उसी पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। मतलब हमें ना इस मंथ के एंड में जाना है टूर के लिए, तो इसी वजह से वही डिस्कशन चल रहा था हमारा। बस हमारा वो डिस्कशन ख़त्म हो गया और हम खाने के लिए बैठ गए। तो यहाँ पर वही अंडा करी है, रोटी है और चावल है, मतलब जीरा राइस बनाया है मैंने। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सब खा रहे हैं और मम्मी ही सिर्फ खा नहीं रही है, तो मम्मी वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, तो मम्मी नहीं खाती है हमारे यहाँ पे नॉनवेज, और सिर्फ हम लोग खाते हैं। मतलब जैसे कि मैं, मेरे पापा, मेरा जो बीच वाला भाई है वो, ये छोटा वाला भाई भी नहीं खाता है, ये एग्स कभी कभी खा लेता है, बट बाकी का कुछ भी नहीं खाता है, जैसे कि मतलब नॉनवेज में बाकी का, जैसे कि मीट और चिकन हुआ, फिश हुई, ये कुछ भी नहीं खाता है, ये सिर्फ एग्स खाता है और वो भी बहुत रेयर खाता है। तो यहाँ पर, और उसकी वाइफ उसे खाने वाली मिली है, मतलब नॉनवेज खाने वाली, और जो बीच वाला भाई है वो खाता है, तो उसको उसकी वाइफ मिली है बिना खाने वाली, मतलब वेजिटेरियन मिली है, तो ऐसा उल्टा हुआ है हमारे यहाँ पे। तो ये हम लोग सब खाते खाते भी वही गपशप मार रहे थे, और यहाँ पर भी वही डिस्कशन चल रहा था कि कहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसा होगा। तो टूर के बारे में ही सबका चल रहा है, मतलब हमारी फैमिली टूर होने वाली है ये, और सबसे बड़ी फैमिली टूर होने वाली है इस बार की, मतलब सबसे बड़ी मीन्स बहुत सारे लोग होने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोगों को भी देख के बहुत मज़ा आने वाला है, और हम लोग तो इन्जॉय करने ही वाले हैं। तो वो टूर के ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, इसी मंथ के एंड में जाने वाला है हम लोग, क्योंकि कुछ छुट्टियाँ हैं इस मंथ के एंड में मेरे भाई को, बीच वाले भाई को, और ये भी छुट्टियाँ निकालने वाला है, तो उसमें हम और एक मेरी मासी, आपने देखी होगी, वही सबसे बड़े होंगे, बाकी सारे छोटे छोटे ही है, बट काफ़ी लोग हैं, इसी वजह से काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर खाना वगैरह होने के बाद, यहाँ पर ये जो सेक होती है, मतलब सेक ले रहे थे हम लोग, शिकोटी बोलते हैं हमारे साइड में, तो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अभी तक नहीं पता चला, पिछले बार भी मैंने आपसे पूछा था, याद नहीं है मुझे, आप लोगों ने कमेंट किया था या नहीं किया था, तो हिंदी में बताना ज़रूर मुझे इसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग शेकोटी बोलते हैं। बस रात को शेकोटी इंजॉय करने के बाद हम लोग सो गए, उसके बाद सुबह उठे, तो सुबह उठते ही हम लोग बैठ गए हैं चाय लेके यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं फ़ोटोज़ एल्बम के लिए, मतलब भाई के शादी के फ़ोटोज़ आ गए थे, उसका एल्बम रेडी करना था, मतलब एल्बम के लिए फ़ोटो सिलेक्ट करने थे, तो वही हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट इन्होंने बाहर से ही लाया था, मतलब जो शेगाव कचौरी होती है, किस किस को शेगाव कचौरी पसंद है वो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और किस किस को शेगाव कचौरी पता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो शेगाव कचौरी लाई थी इन्होंने, बहुत ज़्यादा पसंद है हमें शेगाव कचौरी, और शेगाव कचौरी के साथ फ्रूट में हम लोगों ने लिया था पपीता। एक्चुअली पपीता ये भाई लेके आया था उधर से, मेरे मायके से, क्योंकि मेरे खेत में ही पपीता होता है, मतलब पपीते का पेड़ है, इसी वजह से वहाँ से लेके आया था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है वहाँ के पपीते, मतलब बहुत मीठे हैं, और कलर से ही आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा मीठे होंगे। बस ब्रेकफास्ट करने के टाइम भी वही मस्ती मजाक ये वो, और हाँ, इसके बाद 31st का व्लॉग आने वाला है आपके लिए। इतना ज़्यादा इन्जॉय किया हमने, आपको क्या बताऊँ, 31st पे बहुत मस्ती की, हंसते हंसते पेट दर्द कर रहा था, इतना ज़्यादा मज़ा किया हम लोगों ने 31st पे। तो बस वही व्लॉग देखना मत भूलिएगा, बहुत एंजॉय किया, आप लोग भी एंजॉय करने वाले हो वो देख के। तो बस इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपके साथ। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करने में कंजूसी मत करना, और लाइक करने में भी कंजूसी मत करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, उसके बाजू में बेल आइकॉन आएगा,
उसको ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाओ। और इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलेगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।